So students, welcome to this new lecture. And as teased in the last lecture, we are coming to the one of the greatest attraction in this topic, in this chapter, the lateral inversion. Now, what is the lateral inversion, and what does it mean basically for the real world? What lateral inversion means that the image we see of the object in the mirror, it is orientation is same, the orientation is erect. If the image has standing on its leg and with his heads up, the image is also standing on its leg with the heads up. Aisa nahi hai ki image ulti hogi, sar keval khadi hogi. Nahi, aisa nahi hoga. But what does happen is there are some changes in the image that the left becomes right, the right becomes left. Okay. तो द राइट बिकम लेफ्ट एंड द लेफ्ट बिकम्स राइट, ये तो तुमने नोटिस ही किया होगा ना. सो ये जो फिनोमिनन है ना, उसको कहते हैं लेटरल इन्वर्जन. क्या कहते हैं भाई? लेटरल इन्वर्जन. अब चलो, अकॉर्डिंग टू जो हमने प्रॉपर्टीज देखी थी प्लेन मिरर के रिफ्लेक्शन में, रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर, वी स्टडीड अबाउट एंड वी स्टडीड अबाउट द प्रॉपर्टीज. सो देयर वाज अ प्रॉपर्टी दैट द एज मच एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर, द इमेज इज इन बिहाइंड द मिरर with the same amount of distance. So if the A point is at x distance from the mirror, then its reflection A dash will be also at the x distance from the mirror. But now suppose this must be true for the all the points. अगर वो पूरा ही हो रहा है तो point wise भी check करूँ तो हर point का reflection भी उससे mirror से उतना ही दूर होगा, that as much as the distance between the point and the mirror on the object's side. ठीक है, तो अब उस हिसाब से क्या होता है. सपोज मैं इधर से चलना शुरू करता हूं, ठीक है, इधर से नजर घुमाना शुरू करता हूं, तो सपोज देयर इज अ स्कैनर गोइंग ऑन एंड द स्कैनर इज स्कैनिंग दिस होल बोर्ड. ओके, नाउ द स्कैनर ने जो है इस पूरे बोर्ड को स्कैन कर लिया. सो व्हाट आई गेट इज दैट इफ आई स्टार्ट द स्कैन, आई कम अक्रॉस द बी पॉइंट फर्स्ट, ओके, एंड देन आई कम अक्रॉस द ए पॉइंट. But when I go to the reflection side, I come across the A point first because it was nearer to the mirror on the object side. So it is natural for it to be the nearer one in the image side also. So even though B comes to me first, B, I cross the B first during the scanning and A later, but since A is nearer to the mirror, therefore the image of the A is also nearer to the mirror then B's image. Okay, so then if I go further, I will then cross B eventually. So yahan kya ho raha hai, but yahan jab main scan kar raha tha to pehle maine B ko cross kiya, then I crossed A, but image mein iska ulta ho gaya. Par image to abhi bhi seedhi hi khadi thi, image mujhe ulti thode dikhi. But ye jo cheez hoti hai na, ye ho jati hai. Aur ye kahan hoti hai bhai? This happens in रियल लाइफ दैट द इमेज गेट लेटरली इन्वर्टेड. अब इसको ऐसे समझो कि लेटरल इन्वर्जन की डेफिनेशन है, लेटरल इन्वर्जन की डेफिनेशन है कि लेफ्ट बिकम्स राइट एंड राइट बिकम्स लेफ्ट. बट एग्जाम में आएगा तो तुम इतना सा नहीं लिखोगे लेफ्ट बिकम्स राइट एंड राइट बिकम्स लेफ्ट ना, तुम ऐसे लिखोगे दैट लेटरल इन्वर्जन इज द फिनोमिनन और अ प्रॉपर्टी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज बाय अ प्लेन मिरर वेयर द लेफ्ट हैंड बिकम्स द राइट हैंड एंड द लेफ्ट साइड बिकम्स द राइट साइड और द राइट साइड बिकम्स द एंड द राइट साइड बिकम्स द लेफ्ट साइड एंड वाइस वर्सा. यानी कि दोनों ही चीजें हो रही है, एक अकेली थोड़ी होगी. इफ यू हैव अ लेफ्ट साइड यू मस्ट ऑल्सो यू विल ऑल्सो हैविंग विल बी हैविंग अ राइट साइड. सो इफ द लेफ्ट साइड बिकम्स द राइट साइड इन द इमेज, सो द अदर थिंग दैट द अदर पेयर ऑफ योर लेफ्ट इज द राइट, सो राइट विल ऑल्सो बिकम द लेफ्ट साइड इन द इमेज. तो यहां पर क्या होगा, तो इस चीज को हम क्या कहते हैं भाई सीधे शब्दों में, लेटरल इन्वर्जन. अब ये लेटरल इन्वर्जन जो है ना, वैसे तो एक प्रॉपर्टी ही है सिंपल सी मिरर की, बट इसको हम काफी यूज कर सकते हैं रियल लाइफ में. सोचो कैसे, सोचो जस्ट सपोज थिंक सबसे बड़ी बात यार, एम्बुलेंस, एक हिंट ओनली, एम्बुलेंस. अब होता क्या है कि
हम जो है एम्बुलेंस को उल्टा लिख देते हैं पूरी तरह से। सो अगर मैंने एम्बुलेंस को पूरी तरह से उल्टा लिख दिया तो क्या होगा, ये उल्टे का उल्टा हो जाएगा सीधा। मैंने क्या किया है, ए को यू कर दिया क्या? नहीं ना, ए को राइट का लेफ्ट कर दिया, लेफ्ट का राइट ही तो किया है बस। तो अगर मैंने उसको लेफ्ट राइट ओरिएंटेशन उसकी बदल दी, यानी कि मैंने पहले ही लेटरली इन्वर्टेड लिख दिया, तो अब जो इमेज बनेगी वो लेटरली इन्वर्टेड, सो द इफेक्ट विल बिकम जीरो। ओके, तो यहां पे क्या लिखा हुआ मिलेगा मुझे, सीधे सीधे एम्बुलेंस लिखा हुआ मिल जाएगा। अब ना, अब मैं इसको यूज कहां करते हैं भाई, अब अपन इसको यूज कहां कर सकते हैं। नाउ सपोज, सपोज नाउ यू आर राइडिंग ऑन अ बाइक एंड नाउ यू जस्ट लुक इनटू द मिरर, योर कॉन्वेक्स मिरर, योर रियर व्यू मिरर, एंड यू सी दैट ओ एम्बुलेंस, बिकॉज द इमेज विल बी लेटरली इन्वर्टेड, यू विल क्लियरली रीड द वर्ड्स एम्बुलेंस ऑन योर रियर व्यू मिरर एंड यू विल से दैट ओ इट नीड्स साइड, यू विल स्टेप असाइड एंड द एम्बुलेंस विल गो ओवर, नॉट ओवर यू बट इट विल व्हाट ओवरटेक यू। ओके, सो यहां पे क्या हो रहा है भाई, एम्बुलेंस उल्टा लिखा तो वो उल्टा ही दिख जाएगा। इसको चलो एक अल्फाबेट से भी हम देखने की कोशिश करते हैं क्या हो रहा है भाई। नाउ सपोज आई राइट अल्फाबेट, सपोज आई राइट द अल्फाबेट के, सो नाउ स्कैनिंग करो, ये पॉइंट पहले है तो ये पॉइंट पहले आ जाएगा, तो ये लाइन ही पहले आ जाएगी, ये पॉइंट भी नजदीक ही है तो ये कर्व भी पहले ही आ जाएगा, और इस तरह से ये कि इस तरह से हो जाएगा। तो इमेजेस जो है इस तरह से फॉर्म होती है, पॉइंट वाइज मिलाते जाओ, ये एक्स डिस्टेंस पे है ये भी एक्स डिस्टेंस पे ही होगा, ये वाई डिस्टेंस पे है ये भी वाई डिस्टेंस पे बना दो, ये जेड डिस्टेंस पे है इसको इधर भी जेड डिस्टेंस पे बना दो, ये वाई प्लस सॉरी हाँ ये भी जेड ही है तो इधर भी जेड डिस्टेंस पे ही इसको बना दो। ठीक है, तो इसी तरह से जो है चीजों को हम यूटिलाइज करेंगे और हम इसी कंसेप्ट पे आगे बढ़ते हुए हमेशा एक किसी भी चीज का मिरर इमेज देख सकते हैं। तो मिरर इमेज कैसे करनी है भाई, स्कैन द ऑब्जेक्ट, बट अब तुमने स्कैन तो कर लिया, बट जो करना है ना तुम्हें, तो कि जो तुमने अब उल्टा उसको प्रिंट करना शुरू करो, उल्टा प्रिंट करो, जो पॉइंट तुमने लास्ट में स्कैन किया था उसको प्रिंट करो, तो लास्ट में प्रिंट करते करते तुम उसको देखोगे कि यू गेट द लिटरली इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट और एनीथिंग एल्स जो भी है ना। तो इतना सा तो नहीं था टॉपिक, बट हाँ इसकी इंपॉर्टेंस हमारे रियल लाइफ में बहुत है, और इसी के साथ एक और फिनोमिनन है जिसकी इंपॉर्टेंस हमारे रियल लाइफ में बहुत है, एनी गैसेस? ओके, चलो हिंट देता हूं, तुमने वो बार्बर की दुकान पे देखा है, तुमने वो कपड़े वाली की दुकान पे देखा है, इट इज कॉल्ड मल्टीपल रिफ्लेक्शन। नाउ मल्टीपल रिफ्लेक्शन इज व्हाट, बेसिकली इट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे। समझ में आई बात, चलो समझने की कोशिश करते हैं। सपोज टू मिरर्स आर केप्ट इंक्लाइंड एट एन एंगल, ये क्या है, टू मिरर्स आर केप्ट इंक्लाइंड एट एन एंगल एंड इफ आई कीप एन ऑब्जेक्ट हियर, मैंने क्या किया यहां से ऑब्जेक्ट रखा, सो इसकी इंसिडेंट रे होगी एंड इट विल बी रिफ्लेक्टेड। नाउ दिस इंसिडेंट रे वॉज रिफ्लेक्टेड बाय दिस मिरर हियर, बट दिस इज ऑल्सो मिरर एंड दिस रिफ्लेक्टेड रे विल बिकम द इंसिडेंट रे फॉर दिस मिरर, सो नाउ इट विल बी अगेन बी रिफ्लेक्टेड, और उसी रिफ्लेक्टेड रे का बार बार रिफ्लेक्शन होता रहेगा। सिमिलरली अगर और कोई भी रे होगी, इफ देयर इज एनी अदर रे हियर देन ऑल्सो देयर विल बी रिफ्लेक्शंस, तो उस रे से भी रिफ्लेक्शन बनते जाएंगे और हमें हमारी इमेज के मल्टीपल रिफ्लेक्शंस दिखेंगे। यही जो बेसिक सा कैमरा इफेक्ट्स है साउथ की मूवीज में जरा सा यूज करते हैं, कि जैसे हीरो चलते हुए आ रहा है और उसके बहुत सारे चार पांच वो निकल आए और फिर वो अंदर आ गए, ऐसा होता है ना कि हीरो आ रहा है चार पांच हीरो के रूप निकले फिर वापस अंदर आ गए, दैट इज द कैमरा इफेक्ट दैट इज मेड यूजिंग द मल्टीपल रिफ्लेक्शन टेक्निक, समझे। और तुम कपड़े बदलने जाते हो, ट्रायल रूम में जाते हो, ड्रेस लेने जाते हो, जब कपड़े लेने जाते हो, व्हेन यू गो इनटू द ट्रायल रूम, हियर इज अ मिरर, हियर इज अ मिरर, समटाइम्स चारों तरफ ही मिरर होता है, सामने वाले पे भी पीछे वाले पे भी मिरर होता है, सो व्हेन यू पुट ऑन द शर्ट यू सी हियर यू हैव यू,
एंड अ लाइन ऑफ यू, जस्ट अ लाइन ऑफ यू. व्हाई? बिकॉज भाई बहुत सारा मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता गया और तुम्हें तुम ही तुम दिख रहे हो, उधर भी तुम ही तुम दिखोगे, सामने भी तुम ही तुम दिखोगे और पीछे का भी रिफ्लेक्शन दिख जाएगा. तो यू विल बी एबल टू लुक दैट हाउ यू लुक इन एवरी एस्पेक्ट. अगर चारों तरफ मिरर लगा दिया तो तुम एक तरफ से सब तरफ का देख पाओगे, ठीक है. और दिस कहां यूज हो रहा है भाई इसका? ट्रायल रूम्स. तो लिख दो यार, कहां यूज हो रहा है इसका? ट्रायल रूम्स में. अगला यूज कहां हो सकता है इसका? बाबा की शॉप पे जाते हो, बाबा तुम्हारे बाल पीछे से भी काटता, आगे से भी काटता, हर जगह से वो तुम्हारी हेयर कटिंग करता है. तो नाउ आफ्टर द हेयर कटिंग ही पुट्स अप अ मिरर लाइक दिस और बिहाइंड योर हेड एंड यू आर एबल टू सी द रिफ्लेक्शन ऑफ योर बैक बैक साइड बैक हेड इन द मिरर इन फ्रंट ऑफ यू. नाउ हाउ दिस हैपेंस इज this is reflected by the mirror behind that and that reflection is being again being reflected by the mirror in front of you. So in this way what happens is ki tumhe piche ka reflection aage dikh jata hai and you can see that how your cutting has been executed. Tum dekh sakte ho tumhare baal kaise kate hain. To kahan pe use ho raha hai bhai aur iska? Barber shop pe. अब बार्बर शॉप पे यूज हो रहा है. अब इसके लिए ना हम एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि सिंपल सा फॉर्मूला है कि n इज इक्वल टू 360 बाय थीटा माइनस 1, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द मिरर्स. ये अगर मिरर्स रखे हुए हैं ना तो इनके बीच का एंगल है थीटा और n इज द व्हाट? नंबर ऑफ इमेजेस. एन इज द नंबर ऑफ इमेजेस एंड थीटा इज द एंगल. तो हम नंबर ऑफ इमेजेस निकाल सकते हैं 360 बाय थीटा माइनस 1 करके. सो हाउ आई कैन मेक एन हियर इज 3 इज इक्वल टू 360 बाय थीटा माइनस 1 वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू मिरर्स इंक्लाइंड एट ईच अदर. अब इसके दो यूज तो मुझे समझ आ गए भाई, ट्रायल रूम में यूज कर रहे हैं और बाबा शॉप पे यूज कर रहे हैं. एक यूज है मेरा कैलिडोस्कोप और एक यूज है मेरा पेरिस्कोप में. नाउ बोथ ऑफ दीज डिवाइसेस आल्सो वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन वेयर वी कीप वेरियस मिरर्स एट एन एंगल सो दैट द लाइट इज बी कंटिन्यूअसली बीइंग रिफ्लेक्टेड. एंड नाउ हाउ वी यूज इट इज कि यहां पे हम बहुत सारे मिरर एक साथ रख देते हैं छोटे छोटे, जो आपस में लाइट को रिफ्लेक्ट कर करके हमें एक ब्यूटीफुल पैटर्न बना सकते हैं किसी भी चीज का. एंड इन पेरिस्कोप वी कीप एंगल्स वी कीप थिंग्स एट अ पर्टिकुलर एंगल सो दैट द रिफ्लेक्शन और रे गेट्स कंटिन्यूअसली रिफ्लेक्टेड एंड रीच आर आई फ्रॉम एनी पॉइंट फ्रॉम ऑन देयर. सबमरीन्स में जो ये चीज देखते हो ना तुम कि वो सबमरीन में यहां से आंख लगाते हैं और यहां का सब देख लेते हैं, तो हो क्या रहा है यहां पे जो है यहां से जो ऑब्जेक्ट है यहां मिरर लगा हुआ है वो यहां रिफ्लेक्ट होगा और ये रिफ्लेक्शन हमें यहां दिखेगा. सो वी आर एबल टू सी अबाउट द सी फ्रॉम अंडर द सी विद द यूज ऑफ व्हाट? अ पेरिस्कोप. आई समझ में? हम देख सकते हैं भाई कि बाहर क्या हो रहा है, कैसे हालात है. तो लेकिन वी विल स्टडी अबाउट द कैलिडोस्कोप और द कैलिडोस्कोप एंड द पेरिस्कोप इन द नेक्स्ट चैप्टर इन डिटेल. सो नो नीड टू स्ट्रेस ऑन इट नाउ, बट यू मस्ट नो अबाउट इट कि इट इज यूज टू डिलीवर ब्यूटिफुल पैटर्न एंड इट इज यूज टू सी वॉट इज अबव अ सर्टेन हाइट. हम ऐसा देख सकते हैं, जासूसों के लिए काम का है. समझ में आई बात? चलो चलते हैं अगले टॉपिक पे. नाउ दिस टॉपिक इज समवॉट न्यू फॉर यू, सो लेट डिस्कस इट बिफोर जंपिंग ऑन टू द टॉपिक. So you studied about the plane mirrors which were smooth and had no curves at all. So if there were no curves in the plane mirror, but we do have some curves or the some curved mirrors, like you may have seen in the mirror maze or mele वगैरह में आती है, where you see different shapes of yourself. मतलब shape तुम्हारा ही है but sizes बदल जाते हैं, कहीं तुम लंबे हो जाते हो, कहीं तुम छोटे हो जाते हो. you may have seen it in various cartoons. What are those? Those are spherical mirrors with different foci. So what is the foci and what is the spherical mirror? We are just going to learn about those things. Okay, so first of all, the term implies the spherical mirror. So term क्या कहती है भाई, क्या है चीज?
स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल का मतलब स्फीयर तो पक्के से है, तो अब यहां क्या होता है ना, एक स्फीयर हम बनाते हैं सो दैट वी गेट अ राउंड और अ कर्व इन द मिरर, एंड दैट स्फीयर इज नॉट ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस, और उसके जो स्मॉल पीसेस हैं वो रिफ्लेक्टिंग पार्ट्स होते हैं उसमें। बाकी सब चीजें सेम है, बट रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन थोड़े से बदल जाते हैं। बाकी जो रिफ्लेक्शन के लॉज हैं वो अभी भी इंटैक्ट हैं। समझ में आई बात? रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स मे बी डिफरेंट फ्रॉम द रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन फॉर द प्लेन मिरर्स, बट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर एप्लीकेबल टू बोथ आर वन एंड द सेम। यहाँ पे भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एप्लीकेबल रहेंगे, वो वही रहेंगे, वहां उसमें कोई बदलाव नहीं होगी, बिकॉज लॉ के साथ हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते, वो हर सिविलियन के लिए बराबर है। तो सेम है, लॉज इज इक्वल फॉर एवरीथिंग। अब यहां देखो होता क्या है, सपोज आई हैड अ स्फीयर, अब मैं यहां तो ना सर्कल ही बना सकता हूं, सो दिस सर्कल मस्ट हैव अ रेडियस, एंड इफ आई टेक अ पार्ट ऑफ दिस सर्कल, सपोज आई टेक दिस मच पार्ट, ओके, एंड आई डिलीट द रेस्ट, रेस्ट पार्ट आई डिलीटेड, आई टुक द पार्ट आई डिजायर्ड, ठीक है, एंड नाउ देन आई पॉलिश इट एंड कोटेड इट विद द डिजायरस कोटिंग, दैट इज जनरली निकल और सिल्वर। सो निकल या सिल्वर से मैंने उसको कोट कर दिया। सो नाउ इफ आई हैव कोटेड इट विद सिल्वर निकल, सो दिस साइड इज स्मूथ एंड नाउ इट विल रिफ्लेक्ट, सो इट विल रिफ्लेक्ट, ओके, नाउ इट इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट एवरीथिंग दैट कम्स इन कॉन्टेक्ट ऑफ इट। तो अगर ये रिफ्लेक्ट करने ही वाला है, तो एक दूसरी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि अगर यही पूरा स्फीयर था और मैं ये पार्ट लेता इस तरफ का, एंड इफ आई टुक अ पार्ट लाइक दिस, तो ये पार्ट लेता एंड इफ आई पॉलिश द इनर साइड। अब यहां देखो, हियर इज द बल्ज इन बोथ ऑफ दीज मिरर्स, सो नाउ हियर द बल्जिंग पार्ट इज द रिफ्लेक्टिंग पार्ट और द स्मूथ पार्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन इज गोइंग टू टेक प्लेस, एंड द इनर कर्व इज वॉट, इट इज द पार्ट विच इज कोटेड विद एल्यूमिनियम और सिल्वर और निकल, एंड हेयर द आउटर बल्ज इज कोटेड विद निकल, ओके, सो इफ हेयर आउटर बल्ज इज कोटेड विद निकल एंड हेयर द इनर बल्ज इज कोटेड विद निकल, सो थिंग्स आर गोइंग टू बी डिफरेंट फॉर दिस ऑल्सो, इमेज फॉर्म बाय दिस विल बी इज गोइंग टू बी डिफरेंट देन दिस, बिकॉज रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन विल ऑल्सो वेरी। अब नाउ यहाँ हो क्या रहा है, देखो इमेज फॉर्मेशन जो होगा वो इस एक डेफिनेट एरिया में होगा, यहां से यहां। अब यहां पे जो रे रिफ्लेक्ट होगी वो यहां रिफ्लेक्ट होगी, अब सिंस इसका एंगल इस तरह से है, सो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन शुड बी सेम, तो एक नॉर्मल बनेगी यार। अब टेंजेंशियली मैं बात करूंगा प्लेन की, वहां पे तो वहां पे प्लेन बनेगा टेंजेंशियली और उसके परपेंडिकुलर मेरी रहेगी नॉर्मल, सो रिफ्लेक्ट होगी। यहां पे ये रे आई, इंसिडेंट हुई, सो इंसिडेंट रे विल बी लाइक दिस एंड नाउ इट विल बी रिफ्लेक्टेड लाइक दिस। सो अब किसी भी पॉइंट पे स्लोप क्या होगा, इसी तरफ रहेगा, इसी तरह से झुकता जाएगा, इसी तरफ रहेगा, और रिफ्लेक्शन हमेशा इस तरफ मुझे मिलता रहेगा, जो कि होना चाहिए, मतलब क्योंकि ये कन्वर्ज कर रहा है लाइट रेस को एक साथ, सो इट इज कॉल्ड द कन्वर्जिंग मिरर और कॉनकेव मिरर, ठीक है, सो वी कॉल इट एज द कन्वर्जिंग मिरर, दैट बाय दैट्स बिकॉज इट कन्वर्जेस ऑल द लाइट रेस फॉलिंग ऑन टू इट टू अ सिंगल पॉइंट, इट हैज द एबिलिटी टू कन्वर्ज ऑल द लाइट रेस टू अ सिंगल पॉइंट, एंड नाउ इफ आई अप्लाई द सेम हेयर, सपोज द लाइट रे फॉल्स, आई विल गेट अ टेंजेंट लाइक दिस, एंड इफ आई टेक अ नॉर्मल ऑन दिस, आई विल टेक अ नॉर्मल एंड लाइट रे विल कम लाइक दिस, एंड इफ आई टेक अ लाइट रे लाइक ऑन लाइक दिस, टेंजेंट लाइक दिस, नॉर्मल कम्स आउट टू बी हेयर, रिफ्लेक्टेड रे विल गो लाइक दिस एंड रिफ्लेक्टेड रे विल गो लाइक दिस, सो हेयर नथिंग इज डेफिनेट, रे जो है बहुत दूर जा रही है, आपस में मिलने के इनकी कोई आसार नजर नहीं आ रहा, सो इट डजेंट अपीयर्स टू बी कन्वर्जिंग हियर, इट देयर इज अ पॉइंट वेयर ऑल दीज रेज सपोज टू कन्वर्ज, है ना, बट हियर नथिंग सीम्स टू बी
कन्वर्जिंग, सो इट इज कॉल्ड डाइवर्जिंग, क्योंकि ये सबको दूर भेज रहा है भाई, डाइवर्जिंग मिरर, और इट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर. नाउ इफ आई टॉक इन द टर्म्स ऑफ बल्ज, इनर साइड कोटेड, इधर आउटर साइड कोटेड, कॉनकेव में इनर साइड रिफ्लेक्टिव, इधर आउटर बल्ज रिफ्लेक्टिव, इधर आउटर बल्ज जो है कोटेड है. बल्ज क्या होता है, हल्का सा उभार जो आया होता है जिसपे कोई चीज हम नहीं रख सकते, एक बंप किस्म का होता है, दैट व्हाट वी कॉल अ बल्ज. सो इफ बल्ज इज द रिफ्लेक्टिंग साइड, इफ द बंपी साइड इज द रिफ्लेक्टिव वन, वी कॉल द मिरर एज डाइवर्जिंग मिरर और द कॉन्वेक्स मिरर, एंड इफ द बल्ज इज ऑन द कोटेड साइड, वी कॉल इट एज द कन्वर्जिंग मिरर और अ कॉनकेव मिरर. समझ में आई बात? Now since we have come to a new topic, since we are here at a new topic, there are some new terminologies which are we are going to use to study in the topic. अब इन terminologies में देखो, याद करने वाली बात थोड़ी ज़्यादा है, तो आराम से चलना, है ना? थोड़ा-थोड़ा करके हमें इसे चलना चाहिए, है ना? तो देखो, चलो सबसे पहली terminologies जो हमारे सामने आती है, that is called the aperture. So now what is aperture? What is aperture? Aperture is something called the effective width. Aperture की definition समझ लो, effective width. अगर मेरा spherical mirror इतना बड़ा है, spherical mirror मेरा इतना बड़ा है, कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर, सो आई विल कॉल माय एमएम डैश एज द अपर्चर, दैट इज माय इफेक्टिव विड्थ ऑफ माय मिरर. ठीक है, दैट इज एमएम डैश इज द इफेक्टिव विड्थ ऑफ माय मिरर. सो लेट्स राइट अपर्चर हियर सो दैट यू कैन मेमोराइज इट क्वाइट बेटर. सो राइट अपर्चर लाइक दिस एंड इट इज द अपर्चर, दैट इज द इफेक्टिव विड्थ ऑफ द विड्थ वेयर द रिफ्लेक्शन कैन takes place or for how much time the reflection can take place. Now the second point is the pole of the mirror. So now what is the pole of the mirror? It's nothing but a midpoint. Now remember the pole as the midpoint of the mirror. Now suppose these are the mirrors. So If this arc must have a midpoint, इस arc का कोई ना कोई midpoint होगा, let's call it as the pole. So that midpoint of the arc or the curve का जो भी midpoint आएगा, उसको हम बोलेंगे pole. What we will call it as? We will call it a pole. Now the third term. Now अब यहाँ से definitions थोड़ी tricky होना चालू हो जाती हैं. Tricky in the sense मतलब एक point है जो तुम्हें थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है. प्लेन मिरर का रिफ्लेक्शन जैसा कुछ सॉरी सेंटर जैसा या कर्वेचर जैसा कुछ पॉसिबल नहीं है, बिकॉज द प्लेन मिरर हैज नाइदर अ कर्व नॉर अ रेडियस, बिकॉज इट इज नॉट अ सर्कल, इट इज अ स्ट्रेट मिरर. सो स्ट्रेट मिरर ऑफ लाइट मैन इज नॉट गोइंग टू हैव समथिंग लाइक दिस, बट इफ वी हैव अ स्फीयर, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्फीयर, वी विल हैव अ सेंटर एंड वी विल हैव अ रेडियस. ओके, तो दिस सेंटर ऑफ कर्वेचर दैट इज डिनोटेड बाय सी, व्हिच इज डिनोटेड बाय सी, सो दिस सेंटर ऑफ कर्वेचर दैट इज डिनोटेड बाय सी इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ व्हिच मिरर इज अ पार्ट. अब यहां पे क्या है भाई, सेंटर ऑफ स्फीयर मिरर का सेंटर नहीं है, सेंटर ऑफ स्फीयर, बिकॉज From where the mirror came from a sphere. So, यहां जो सेंटर की बात हो रही है, वो स्फीयर के सेंटर की बात हो रही है. द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट, जिस पार्ट से मैंने मिरर को काटा, जिस स्फीयर से मैंने मिरर को काटा है, उस मिरर के सेंटर की बात करूंगा, तो आई विल कॉल इट एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर?
सेंटर ऑफ द मिरर, सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच मिरर इज द पार्ट. तो जिस खेत की वो मूली है उस खेत के सेंटर की बात हो रही है. मतलब मूली क्या है यहाँ, मिरर, और खेत क्या है यहाँ पे, बड़ा स्फीयर. तो स्फीयर के सेंटर को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है, फिर वही आता है भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर. अब रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो क्या हो सकता है, उसको आर से डिनोट करते हैं. नाउ सिंस इफ स्फीयर हैव एज अ सेंटर एज वेल एज अ रेडियस, सो रेडियस ऑफ कर्वेचर शुड बी व्हाट, बाय डेफिनेशन इट शुड बी रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट. रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है भाई, रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट. अब नॉ स्फीयर का रेडियस क्या होता है हम सबको पता है. ठीक है, तो उस स्फीयर के रेडियस की बात करेंगे ना, तब मैं बोलूंगा कि वो है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर डेट इज डिनोटेड बाय आर. सो आफ्टर रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर वी हैव द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म दैट विल एक्ट एज द बेस व्हेन वी विल स्टडी अबाउट द रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन एंड द फॉरवर्ड टॉपिक दैट इज फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स. तो उसको हम बोलते हैं भाई प्रिंसिपल एक्सिस, दैट इज अ लाइन जॉइनिंग C and P, that is pole and the center of curvature को जो line join करती है उसको हम बोलते हैं principal axis. Now suppose here you have the poles, these two are the poles denoted by the single P, so it must have a center of curvature. This must also have a center of curvature and the line joining these two is called the principal axis. ये principal axis है, line है, line segment नहीं है. So I can stretch it indefinitely to the both sides. जितना चाहे इसको stretch कर सकता हूँ like a rubber. And after this we have the focus. Now as the name suggests, it has all the focus. सारी attention इस पे. समझे बात को, सारी अटेंशन इट पे, दैट इज इट इज द फोकस और द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल द पॉइंट, दैट इज इट इज द प्लेस वेयर इफ ऑल द रेज आर गोइंग पैरेलल फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स दे विल ऑल इंटरसेक्ट एट दिस कॉमन पॉइंट नोन एज द फोकस. सो फोकस क्या है भाई, अगर सारी रेज जो है ना पैरेलल जा रही है ना इस मिरर के, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है. सो ऑल द रेज दैट आर गोइंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल इंटरसेक्ट एट वन सिंगल पॉइंट एंड दैट विल बी कॉल्ड एज द फोकस ऑफ द मिरर. तो फोकस क्या है, अ पॉइंट वेयर ऑल द पैरेलल लाइट रेज फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स अपीयर्स टू मीट, और वेयर द ऑल द पैरेलल लाइट rays after being reflected at different angles meet is called the focus or intersect is called the focus. And now कोई भी दो lines एक ही बार intersect कर सकती है, कोई lines दो से ज्यादा बार intersect कर सकती है क्या, no. So focus can only be one. So after focus let's have one more point with us which is the focal length. Now what is the focal length, that is distance between the pole and the focus of the mirror. So focal length kya hai bhai, denote kis se karenge pehle to. Focal length ka koi aisa denotion to nahi hai, but suppose let's denote it with FL. Aisa koi fixed denotion iska nahi hai, but focus ka denotion fix hai ki it will be denoted by F and F only, fast and furious wala F and F nahi, but F and F only. Theek hai, तो फोकल लेंथ जो है वो क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एफ. क्या है भाई, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ द मिरर इज टर्म्ड एज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर.
डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर इज टर्म्ड एज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। अब अगर इसके फोकल लेंथ की बात हो रही है तो एक बात और जान लो कि फोकल लेंथ जो होता है ना वो इसके रेडियस का हाफ होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर आया था ना, आर से डिनोट कर रहे थे, तो फोकस इज जस्ट द एग्जैक्ट हाफ ऑफ दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर। एंड सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द फोकस, लेट अस टॉक अबाउट द फोकल प्लेन। अब फोकल प्लेन में क्या होता है, व्हाट हैपन्स इन द फोकल प्लेन इज कि सपोज आई कीप अ इमेजिनरी प्लेन ऑन द फोकस ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस से एक इमेजिनरी प्लेन मैंने डाल दिया, प्लेन एरोप्लेन वाला प्लेन नहीं बट डायमेंशन वाला प्लेन ऐसे मैंने डाल दिया फोकस पे, विच मेक्स अ परपेंडिकुलर एंगल और अ 90 डिग्री एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस, आई विल कॉल इट एज अ फोकल प्लेन। सो फोकल प्लेन क्या है भाई, अ इमेजिनरी प्लेन परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, याद रख लो क्या होता है वो फोकल प्लेन। अब ऐसे टर्मिनोलॉजीज तो देखो 8 हो गई, 10 भी हो सकती है, 12 भी जा सकते हैं, बट हम इंपॉर्टेंट वालों को ही डिस्कस कर रहे हैं, बाकी तुम्हें थोड़ा बहुत देख लेना। कि एक टर्मिनोलॉजी और होती है कि पैरा एक्सल रेस। सो पैरा एक्सल रेस कौन सी होती है, द रेस विच मेक वेरी स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड ऑल्सो वेरी स्मॉल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जिनका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बहुत कम आता है वी कॉल देम एज द पैराएक्सियल रेस। पैराएक्सियल रेस और वर्चुअल और रियल इमेज की तो बात हमने कर ही ली थी कि दैट द इमेज विच वी कैन टेक ऑन द स्क्रीन इज द रियल इमेज एंड द इमेज विच वी कांट टेक ऑन द स्क्रीन इज द वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो वो सब हमने बात कर ली थी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। वी हैव स्टडीड इनफ टर्मिनोलॉजीज फॉर नाउ, क्योंकि यार टर्मिनोलॉजीज तो कभी खत्म नहीं होगी, जैसे जैसे आएगी अब हम उसको डिस्कस कर लेंगे, पर अभी के लिए इतना बहुत है आगे बढ़ने के लिए और हम छोड़ नहीं रहे कुछ भी, बट सारी टर्मिनोलॉजीज तो हम कवर भी नहीं कर सकते। सो आफ्टर स्टडिंग अबाउट द टर्मिनोलॉजीज देयर आर सर्टन रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन ऑफ द व्हाट स्फेरिकल मिरर्स। They are rules for image formation of spherical mirrors, not the laws of reflection for spherical mirrors. Mind it. उसमें फर्क है। अब spherical mirrors में क्या है? Angles हो जाते हैं, different angles, normal भी बहुत सारे हो जाते हैं। But plane mirror में क्या हो रहा था? Normals were all parallel to each other. ठीक है? Normals तो सारी parallel थी, but यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पे क्या है? Normal एक दूसरे को intersect करेगी। सोच के देखो। इस पॉइंट का टेंजेंट ये है, इस पॉइंट का टेंजेंट ये है, इसके ये है, तो ये पैरेलल तो कतई नहीं है ना, इनको पैरेलल तो हम कह ही नहीं सकते। देयर आर टू नॉर्मल्स दैट आर ऑलवेज इंटरसेक्टिंग ईच अदर। ठीक है, सारे नॉर्मल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। नो टू नॉर्मल्स आर पैरेलल, नो टू नॉर्मल्स आर पैरेलल हियर। सो थिंग्स आर गोइंग टू बी डिफरेंट, सो दोज आर द डिफरेंट रूल्स, बट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड ट्रू फॉर एवरीथिंग। ओके, so first rule is that line incident to principal axis passes through f, यानी कि f क्या है यहां पे focus, और p क्या है principal axis, through focus after रिफ्लेक्शन। इसको कैसे समझेंगे भाई, सपोज आई हैव अ मिरर, लेट्स डू इट फॉर द कॉनकेव मिरर फर्स्ट, एज दिस कॉनकेव और द कन्वर्जिंग मिरर, इट हैज द फोकस हियर एंड द प्रिंसिपल एक्सिस विल गो थ्रू द पोल्स, तो पोल है ये और ये रही प्रिंसिपल एक्सिस, एंड आई विल हैव द सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर का आधा मेरा हो जाएगा फोकस। सो नाउ व्हाट द रूल नंबर वन स्टेट्स इज कि द लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और इंसिडेंट टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिस थ्रू एफ आफ्टर रिफ्लेक्शन। सो अगर एक लाइन जो है इसके इंसिडेंट है, तो सबसे पहले तो यहां पे एक चीज देखेंगे हम कि ये पॉइंट है इसका टेंजेंट ये है और इसके टेंजेंशियली ये चीज हो रही है, तो इफ दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी इतना ही बनना चाहिए यहां से, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है इस हिसाब से इस तरह से बनेगा, ऑलवेज इट विल बी लाइक दिस कि वो फोकस से पास करेगा। सो जो इंसिडेंट रे होगी वो हमेशा फोकस से पास करेगी,
वो हमेशा फोकस से पास करेगी। और अगर नॉर्मल निकालने का इजी तरीका समझना है, सो इफ देयर इज एनी पॉइंट ऑन द स्फेरिकल मिरर, जस्ट जॉइन इट टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जस्ट डू इट, जॉइन इट टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड यू विल गेट योर नॉर्मल। तो ये क्या हो गई भाई, यहाँ पे नॉर्मल हो गई, नॉर्मल हो गई। कोई सा भी पॉइंट अगर उसका तुम्हें नॉर्मल पता करना है, सो जॉइन इट टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट विल बी द नॉर्मल फॉर दैट पॉइंट एंड यू कैन जस्ट डू द रेस्ट बाय ऑन योर ओन। अब ये चीज जो है कॉन्वेक्स मिरर के लिए थोड़ी सी अलग हो जाती है। सो यहां पे भी चीज वही है कि लाइट रे आएगी, ये नॉर्मल है, वो इधर रिफ्लेक्ट होगी, बट रिफ्लेक्ट इधर हो जाएगी, बट इफ माई आईज आर हेयर इट विल लुक लाइक इट इज गोइंग टू मीट द एफ, इट इज क्रॉसिंग द एफ और कमिंग फ्रॉम एफ फ्रॉम दैट साइड, दैट इज द फोकस। तो बात दोनों के लिए सेम है कि द लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल, और द इंसिडेंट टू पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दैट इज इंसिडेंट रे, दैट विल पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। क्या भाई, फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है। चलो दूसरा देखते हैं। सो व्हाट इज द सेकंड रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन, इट इज दैट द रे पासिंग थ्रू और द लाइट रे पासिंग थ्रू फोकस बिफोर रिफ्लेक्शन, इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। सो इसको समझोगे कैसे, दिस इज अ कॉनकेव मिरर, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, आई हैव माई फोकस, आई हैव माई पोल, आई हैव माई सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो मतलब क्या बोल रहा हूं मैं कि फोकस से जो लाइन इंसिडेंट होगी, द लाइन इंसिडेंट थ्रू फोकस विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो भाई याद रख लो इसको, चीज वही है, फिर से नॉर्मल बना के देख लेना, रूल्स है वो अप्लाई होंगे। और यहां पे क्या होगा, इफ द लाइन इज इंसिडेंट लाइक दिस और कम सीम्स टू बी गोइंग थ्रू टू फोकस विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लाइक दिस फॉर द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर एंड दिस इज द केस फॉर कॉनकेव मिरर बिकॉज इट हैज द इनर साइड शाइनी और द रिफ्लेक्टिंग वन। समझ में आई, अब इसको आगे देखते हैं भाई। सो नाउ द थर्ड रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन इज इंटरेस्टिंग वन एंड यू कैन इमेजिन व्हाई इट इज सो, दैट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर और द सी, सी डिनोट्स व्हाट, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रिट्रेसेस इटसेल्फ, वो अपना पाथ ही रिट्रेस कर लेती है जब रिफ्लेक्शन के बाद। सो इफ द इंसिडेंट रे इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिट्रेसेस द सेम पाथ, दैट इज इट पासिस थ्रू सेंटर ऑफ कर्व बाय थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर इटसेल्फ। नाउ व्हाई डज इट हैपन, सोच के देखो, this is the principal axis, this is the focus and this is the center of curvature, and now I told you earlier that center, the if I join any point of the mirror to the center of curvature, it will be the normal point, normal, it will be act as the normal, it is the normal, it will act as the normal, it is the normal, jo manna hai mano, but it will be the normal, it will be normal for that point. To agar कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा ही रही है, सो दैट मींस व्हाट, इट इज गोइंग टू द नॉर्मल, इट इज गोइंग टू द नॉर्मल, दैट इज कोइंसिडेंट टू नॉर्मल और नॉर्मल के कोइंसिडेंट है। सो इफ इट इज कोइंसिडेंट टू नॉर्मल, एंगल आई बिकम्स जीरो, दैट इक्वल्स एंगल आर, सो देयरफॉर एंगल आर ऑल्सो बिकम जीरो, एंड सिंस नॉर्मल से किसी का कोई एंगल ही नहीं मिलता, मतलब उतने एक दूसरे के कोइंसिडेंट है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बिकम द, सॉरी, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द इंसिडेंट रे विल बी वन एंड द सेम, बट नोट विद देम डिफरेंट एरोज बिकॉज डायरेक्शंस आर इंपॉर्टेंट। सेम विल हैपन फॉर द कॉनकेव मिरर। इफ अ लाइट रे इज going to the sea, it will be reflected as always, okay, वो वहां से reflect हो जाएगी convex mirror से। और अब आते हैं हम फिर final rule की तरफ चलते हैं, जो कि fourth होगा हमारा final rule, so it is the fourth and the final rule of image formation through a spherical mirror, that is
the ray is incident at poles. Now what will happen at the pole is we have the principal axis. Sorry, it is the principal axis, not the pole. So if the ray is incident at the pole, then the principal axis will act as the normal, because at this point surface is like this, so, and this is perpendicular to this surface, so this will act as the normal and we will get this angle to be theta and theta. So here it retrace kar legi, and this is one of the easiest rules of image formation which should be we should use to see where the image is being formed. And for concave mirror it will also be same, convex mirror ke liye bhi ye cheez same rahegi, ki the angle incident ray will make with the principal axis will be the same that the reflected ray will make with the principal axis. Samajh mein aayi baat? Yahan tak ye ho gaye hamare rules of image formation for the spherical mirrors. Ab hum aage badhte hain aur dekh hi lete hain ki कॉनकेव मिरर की पहले बात करते हैं कि हाउ द कॉनकेव मिरर फॉर्म्स इमेजेस. ठीक है, चलो. नाउ फॉर द इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर्स वी विल यूज द रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स वी जस्ट लर्न. ओके, सो अब उन रूल्स को यूज करते हुए हम देखेंगे कि किस तरह से एक इमेज फॉर्म होती है फॉर द कॉनकेव मिरर, और उसका जो उसमें भी डिफरेंट काइंड ऑफ केसेस है, दैट इज इफ वी कीप ऑब्जेक्ट ऑन द डिफरेंट point at different distances from the pole or at different points on the principal axis, then the nature of the image formed will is going to be different. Yaar main tumhe yahan se tum agar mere se 10 feet door khade ho to main tumhe thoda clear dekh sakta hu, par agar tum 100 feet door khade ho to main tumko clearly nahi dekh sakta. Similarly in the case of mirror, jo wo mirror tumhe capture karega 10 feet door se, wo bhi tumhe 10 feet se acche se capture kar lega, but if you are 100 feet far, so it won't be able to capture you like that. ओके, समझ में आ रही है बात? तो चीजों वहां से सोचने की कोशिश हम करेंगे, क्या हो क्या रहा है हमारे को. ठीक है, अब इसमें हम थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे, बिकॉज यहाँ पे याद करने का ज्यादा है, समझने का थोड़ा कम है. समझना है बट समझ के थोड़ा सा याद करना पड़ेगा. तो नाउ इफ द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, सो लेट अस हैव द कॉनकेव मिरर. कॉनकेव मिरर की बात कर रहे, कॉन्वेक्स मिरर मैंने बोला ही नहीं. We will have the principal axis, we will have the focus, and we will have the center of curvature. So for a point source at for an object at infinity, we will always be seeing that the light rays are coming to be far parallel from far, very far, bahut dur se parallel rays ko aa rahi hai. Aur agar parallel rays aa rahi hai jo ki principal axis ke parallel hai, so what will happen, they all will converge at the फोकस. दे ऑल विल कन्वर्ज एट द फोकस. अब सबकी सब तो यार फोकस पे कन्वर्ज कर जाएंगी, तो होगा क्या? एक सिंगल पॉइंट पे अगर फोकस पे कन्वर्ज हो रही है, सो व्हाट विल हैपन इज दैट द इमेज बन जाएगी फोकस पे. बट इफ आई टॉक अबाउट द नेचर ऑफ इमेज, बात समझ में आ रही है? इफ आई टॉक अबाउट द नेचर ऑफ इमेज, it will be what? First of all, it will be inverted. Image is going to be inverted. क्यों उल्टी होगी भाई? मुझे पता है होगी, अभी आगे देख लोगे क्यों. It is going to be inverted. So it is going to be inverted, and if I put a screen on the focus, if I put a screen here, right here I put a plane mirror like this, and it will all converge on the focus. I will get the image of the object on the plane mirror. So this is going to be real because I got it on a screen. और इसकी जो size, अब सोचो object infinity पे है, point size image बन रही है. Image की nature कैसी भाई? पॉइंट साइज इमेज बन रही है. कैसी इमेज बन रही है? पॉइंट साइज, क्योंकि काफी छोटी बनेगी यार. इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट से इतना दूर से आ रहा, सोचो उसकी इमेज बना पा रहे हैं छोटी सी पॉइंट पे, एक पॉइंट पे सब कन्वर्ज जा रहा है, तो कैसे काम चलेगा? इमेज तो छोटी ही बनेगी. नाउ लेट अस कंसीडर द अदर केस, अगर वो ऑब्जेक्ट थोड़ा पास आ जाता है ना, बियॉन्ड सी, अ लिटिल बियॉन्ड द सेंटर ऑफ curvature, but not at infinity, a little beyond the center of curvature. If we take the image, this is the concave mirror we have it here, it is the
focus, it is the center of curvature. Now if we have the object a little beyond center of curvature, it is here at little beyond the center of curvature. So little beyond center of curvature, अब भैया अब देखो किन किन light rays से हम काम कर सकते हैं. अब मुझे जहां मेरी light rays intersect कर जाती है ना, मुझे वहां अपनी image मिल जाती है. So I will take those light rays that can intersect, that will intersect each other. So कोशिश करके देखते हैं कौन सी है भाई. So first of all let's take the parallel one. So if it is going to parallel to the principal axis, what will happen? It will be reflected and go through focus. Focus से वो pass कर जाएगी. Now if the light ray goes through focus, what will happen? What will happen? If the light ray goes through focus, now it will become parallel to the principal axis and intersection, as I can see, the reflected rays will intersect here. But कहां से आ रही है वो reflect, जो rays intersect हो रही है वो इस point से आ रही है. तो ये point यहां बनेगा और ये पूरा इस तरह से बन जाएगा, क्योंकि और भी बाकी light rays होंगी जो उस तरह से intersect कर रही होंगी यहां पे. तो मेरे पास क्या आया फिर nature of image में, again it is real because I can take it on screen, और फिर से है inverted. अब थोड़ा सा खुद ही सोचो, थोड़ा पास आ गया तो थोड़ा बड़ा हो गया, बट इतना बड़ा नहीं हुआ कि भाई इमेज के बराबर नहीं हुआ, तो ये स्मॉल ऑब्जेक्ट के बराबर नहीं हुआ, तो ये हो गया स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट. अब ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये है, और इमेज कौन सी है भाई, ये है. तो इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट. इमेज के बारे में बात कर रहे हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक लिखी है ना, ये इमेज की लिखी है. तो इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट. अब इसके बाद एक केस होता है, अब इसको थोड़ा और पास लाते हैं. कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है इसके बाद, अब पहले इन्फिनिटी पे थे, अब बियॉन्ड सी, अब थोड़ा और आगे आते हैं, मिरर पोल के पास जाते हुए हम आ जाते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे. तो बात करते हैं, देखो यार, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर. अब फिर से वही चीज करो, बनाओ फटाफट से एक स्फेरिकल मिरर. यू विल हैव द प्रिंसिपल एक्सिस हियर, द फोकस इज हियर एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज हियर. ठीक है, अब फटाफट से उसको यूं लगाया हमने, सोचो ये पास कराई फोकस से, ये पास कराई फोकस से, ठीक है, और फिर एक इंसिडेंट रे भी गई फोकस से, दैट आल्सो केम एंड इंटरसेक्टेड द पॉइंट, और कुछ इस तरह से है. अगर इसको प्रॉपर टू स्केल बनाऊंगा ना मैं, सो यहां पे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया तो मुझे इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिल गई. बट यहां पे मुझे जो इमेज मिलेगी ना, इस बार ये सेम साइज की मिलेगी, ऑब्जेक्ट की सेम साइज की मिलेगी, और होगा क्या वही यार, होगी रियल, होगी और इन्वर्टेड होगी. अब रियल इन्वर्टेड हर केस में बनेगी, इसको हम दोबारा नहीं लिखेंगे, जहां पे केस चेंज होगा हम लिख लेंगे, बट इट विल, द इमेज विल ऑलवेज बी रियल एंड इन्वर्टेड. अब देखो जैसे जैसे पास आते जा रहे हैं, इमेज जो है थोड़ी सी बड़ी होती जा रही है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, मतलब ऑब्जेक्ट के बराबर आ गई. अब तो पहले तो पॉइंट साइज थी, फिर ऑब्जेक्ट से थोड़ी छोटी और ऑब्जेक्ट के बराबर. तो अगर मैं इसको सी और एफ के बीच में रख के देखूंगा, अब सी तक तो मैं आ गया, अगला लॉजिकल पॉइंट बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ. तो अगर बिटवीन सी एंड एफ रख के देखूं, अब पोजीशन ऑफ द इमेज की भी बात करते रहे तो देखो साथ साथ तुम बता सकते हो, एट द फर्स्ट इंफिनिटी से आ रही थी तो इमेज वाज एट फोकस, इफ आई कैप्ट इट बियॉन्ड सी, लिटिल बियॉन्ड सी, इट वाज व्हाट, इट वाज वेयर बियॉन्ड फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो इमेज भी जो है मिरर से थोड़ा दूर आती जा रही है, जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट मिरर के पास जा रहा है, इमेज जो है मिरर से दूर जाती जा रही है. सो इफ द ऑब्जेक्ट नाउ इज बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इट इज लॉजिकल इफ आई एज्यूम दैट द इमेज इज गोइंग टू बी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. एंड पहले क्या हो रहा था, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास जा रहा है इमेज दूर जाती जा रही है, और जैसे जैसे इमेज दूर जाती जा रही है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी हो, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में होती जा रही है, मतलब उसका रेशियो थोड़ा बढ़ता जा रहा है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में. ठीक है, पहले ऑब्जेक्ट से पॉइंट साइज थी, फिर बड़ी हुई थोड़ी, ऑब्जेक्ट से छोटी रह गई, फिर और बड़ी हुई तो ऑब्जेक्ट के बराबर आ गई. अब इमेज इज ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट और रियल इन्वर्टेड तो है, एंड इट इज फॉर्म्ड अ लिटिल बियॉन्ड
सी। समझ में आई बात? अब ये तो चीजें याद करने वाली है, तुम्हें रूल्स को समझते हुए करना पड़ेगा याद। समझ में आई? अब एट एफ, एफ पे ही रख लो भाई। अब एफ पे रख लिया ना अगर हमने तो काम ही हो जाएगा हमारा। चलो रख के देखते हैं। सोचो सबसे पहला काम तो क्या आ रहा है, लॉजिकल कि इमेज सी के तो बहुत बाद में आएगी क्योंकि दूर जाती जा रही है जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास जा रहा है, पहला। दूसरा, इमेज बड़ी होती जा रही है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, तो भाई ये रहा ऑब्जेक्ट, करा दो मीट। और मैं देख रहा हूं किधर से इसको, इधर से। नाउ आई सी दैट दे आर नॉट मीटिंग, एक्चुअली हम इसको पेज पे मीट नहीं करा सकते, ये कहीं दूर जाके दे विल टेंड टू मीट, मीट एट इंफिनिटी, दे विल मीट एट इंफिनिटी। तो इमेज एट इंफिनिटी एंड इमेज इज वेरी मच ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट, इमेज की साइज जो है ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ी है, और केस वही है कि रियल एंड इन्वर्टेड ही मिलेगी हमें यहां पे भी, रियल एंड इन्वर्टेड ही मिलेगी। मतलब स्क्रीन लगा दू ना थोड़ी यहां, यहां पे कहीं दूर जाके स्क्रीन लगा दू तो मुझे पूरी इमेज मिल जाएगी। समझ में आई बात? अब ये तो था भाई अपना फिफ्थ केस, अब अपन आ जाते हैं अपने सिक्स्थ केस की तरफ, जो कि क्या होना चाहिए अब, बिटवीन द फोकस एंड द पोल ऑफ द मिरर। सोचो यार क्या होगा अब, तो कहां जाएगी इमेज यार। सो यहां पे देखो केस, इट इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन द फोकस एंड द पोल ऑफ द मिरर, द लाइट रेज विल नेवर एवर मीट, ओके, एंड द इमेज दैट विल बी फॉल फॉर द फर्स्ट टाइम विल बी ऑन द अदर साइड ऑफ द मिरर। अब भैया अदर साइड से तो प्लेन मिरर वाला केस आ गया हमारे पास, लगभग लगभग वी हैव द प्लेन मिरर केस दैट द इमेज इज फॉर्मड ऑन द अदर साइड। सो फॉर द फर्स्ट केस एंड द ओनली केस द इमेज फॉर्म विल बी वर्चुअल। अब तुम देखोगे कि सिर्फ वर्चुअल ही नहीं है, इमेज इज ऑल्सो ऑल्सो वॉट इरेक्ट, इट इज नॉट इन्वर्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, ऑल्सो इन्वर्टेड भी नहीं है और वर्चुअल भी है, और इमेज जो है ऑब्जेक्ट से बड़ी है और पहली बार जो है ऑपोजिट साइड ऑफ द मिरर पर बन रही है। इसमें तो ऑब्जेक्ट और इमेज सेम साइड पर आ रहे थे। अब अगर हम लॉज को सही से लगाए ना तो हम कुछ भी करें ना, कैसे भी बनाए फिगर को, हम उसको सही से बना सकते हैं। अब देखो कि जैसे यहां टेंड्स टू मीट एट इंफिनिटी था ना, सपोज मैं वो वाली रेज ना लू, फोकस लू, पोल लू, फोकस पे मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया, ठीक है, आई कैप्ट द ऑब्जेक्ट एट फोकस, और फिर क्या होगा रिफ्लेक्शन के बाद, ऐसा भी हो सकता है एंड दे विल टेंड टू मीट एट इंफिनिटी। यहां अगर मैं स्क्रीन लगा दू, एक प्लेन मिरर लगा दू, दे विल मीट हियर, अगेन दे विल मीट एट इंफिनिटी, बट दे विल मीट, पहले लोग तो नहीं करेंगे मीट, बट इमेज एक बन जाएगी और हाईली एनलार्ज्ड बनेगी तब भी। तो यानी कि अगर मैं रूल्स को सही से लगाऊंगा तो मुझे हमेशा सही चीजें सामने आएगी। अब यहां पर हमने इतने सारे केस देख लिए कॉनकेव मिरर के लिए, बट कॉन्वेक्स मिरर का केस ऐसा नहीं है। कॉन्वेक्स मिरर में हमें मुश्किल से दो ही केस पढ़ने हैं और वो दोनों केस काफी ईजी है। सो नाउ ओनली टू केसेस आर पॉसिबल इन द केस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, अनलाइक द 6 or 7 केसेस दैट आर पॉसिबल इन कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर पर तो बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं और उसके एप्लीकेशंस भी इसीलिए ज्यादा है बिकॉज उसके केसेस बहुत सारे हैं भाई। समझ में आई बात? अब देखो दो ही केसेस पॉसिबल है कि या तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो या वो ऑब्जेक्ट पोल से कुछ डिस्टेंस पे हो, इन दोनों यही दो केसेस पॉसिबल है जहां पे हमें इमेज को हम इमेज देख सकते हैं। और होगा क्या, दैट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी द रेज विल टेंड टू मीट और अपीयर टू मीट एट द फोकस एंड इमेज फॉर्म्ड विल बी वर्चुअल एंड ऑल्सो अगेन द इमेज विल बी ऑल्सो इरेक्ट। सब इमेज वर्चुअल होने के साथ साथ इरेक्ट भी है और यहां पे भी इन द के ये भी यही केस होगा कि इमेज होगी वर्चुअल और होगी इरेक्ट, बट हियर इट विल बी पॉइंट साइज एंड देयर इट विल बी अ लिटिल, सॉरी देयर इट विल बी थोड़ी कम सी इमेज रहेगी। समझी बात? समझ में आई बात? क्या होगी, थोड़ी छोटी रहेगी ऑब्जेक्ट से, है ना। अब ये दो ही केसेस है जो हमें पढ़ने हैं। अब दो रेज मैंने मान ली, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली जो रेज है खुद को रिट्रेस कर गई और एक लाइट रे जो रिफ्लेक्ट हुई वो पैरेलल जाके प्रिंसिपल एक्सिस से जो रिफ्लेक्ट हो गई वो फोकस से टेंड करते हुए मान ली, तो वो हमेशा कहां इंटरसेक्ट करेगा भाई, फोकस और उसके बीच ही इंटरसेक्ट करेगा ना। सो
और एक इन्फिनिटी हो सकता है। अब ये दो केस ही मेनली पॉसिबल है कॉन्वेक्स मिरर में। अब तीसरा केस अगर होता भी है तो तुम्हें उससे मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। वैसे तो पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो गया है, जो होगा वो इसी का कोई एक्सटेंशन हो सकता है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं मिरर्स के यूजेस की। अब हम मिरर्स के यूजेस की बात करें तो यार अगर इनके हम इनके बारे में इतना जान लेंगे कुछ यूज होगा तभी तो हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो अगर हम इनके बारे में पढ़ ही रहे हैं तो चलो कोशिश करते हैं जानने की कि यूजेस क्या होते हैं मिरर के। अब कॉनकेव मिरर जो है, सिंस ये कन्वर्जिंग मिरर है और बहुत सारे लाइट रेस को या बीम को एक साथ कन्वर्ज कर सकता है, सो द डेंटिस्ट यूज दिस मिरर। डेंटिस्ट मिरर जो होता है ना, यूं डाल के देख लेते हैं दांत पर कहां कीड़ा लगा है, डेंटिस्ट मिरर। तो उसको कहते हैं भाई डेंटिस्ट मिरर, जो कि क्या करता है बहुत सारी लाइट रेस को कन्वर्ट करके मुझे एक ही में दिखा देता है कि भैया यहाँ पे ऑब्जेक्ट, यहाँ पे कुछ कुछ ऐसा है। दूसरा शेविंग मिरर जो है भाई वो भी यही होता है। शेविंग मिरर भी यही होता है। और क्या होता है, अब अगर कॉन्वेक्स की बात करूं तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट यूजेज है एंड इट विल बी आस्क्ड अगेन एंड अगेन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक में ये पूछा हुआ है कि इट इज यूज्ड इन रियर व्यू मिरर्स। एंड व्हाई इट इज यूज्ड इन रियर व्यू मिरर्स, कवर्स वाइडर एरिया, सिंस इट कैन कवर अ वाइडर एरिया देन द प्लेन मिरर, बिकॉज प्लेन मिरर कितना कवर करेगा भाई, इतना ही करेगा अपर्चर के बराबर। बट अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर लेता हूं जिसका अपर्चर इतना है, इट विल बी एबल टू सी ऑब्जेक्ट फ्रॉम हेयर एंड गिव मी द रिफ्लेक्शन हेयर, और यहां का ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन भी मुझे यहां दे देगा। तो इसका एरिया कितना बड़ा हो गया कवर वाला भाई, इतना बड़ा एरिया कवर कर सकता है, इतना वाइड एरिया कवर कर सकता है। दैट्स व्हाई वी यूज इट इन द बाइक्स और द रियर व्यू मिरर्स। समझ में आई बात, समझ में आई। और इसलिए शेविंग मिरर्स और क्या बोलते हैं डेंटिस्ट मिरर जो है वो कॉन्केव मिरर होते हैं, और बाइक वाले मिरर जो होते हैं वो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। तो ये बेसिक बात तुम्हें पता होनी चाहिए। भाई आज तो हमने बहुत कुछ ही देख लिया, जैसे टर्मिनोलॉजीज देख ली, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन देख लिया, एंड वी स्टडीड द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन फॉर द कॉन्केव मिरर विद वर्च्यू ऑफ देयर पोजिशंस विद रिस्पेक्ट टू द पोल। जैसे जैसे पोल के पास जा रहा था ऑब्जेक्ट इमेज होती जा रही थी बड़ी, और वो दूर जाती जा रही थी पोल से। कॉन्वेक्स में तो बस दो ही केसेस पॉसिबल थे, ठीक है भाई। फिर हमने उनके यूजेस देख लिए कि कॉन्केव मिरर के डेंटिस्ट जो मिरर यूज करते हैं, और शेविंग मिरर जो हम देखने के लिए यूज करते हैं वो यूज होते हैं। और कॉन्केव मिरर के और भी चीजें हैं कि डिफरेंट रेडियस ऑफ कर्वेचर का डिफरेंट मिरर्स में यूज करूं तो उसे मेले में यूज कर सकते हैं, बिकॉज इट विल फोकस द लाइट रेज विल इंटरसेक्ट एट डिफरेंट पॉइंट। तो उस हिसाब से मेरी इमेज कहीं एनलार्ज मिल जाएगी, मैं कहीं पतला दिख जाऊंगा, कहीं मोटा दिख जाऊंगा। वॉट आर दोज मिरर्स, दोज आर द कॉन्केव मिरर्स। समझ में आई। कॉन्वेक्स मिरर्स का क्या यूज है भाई, इट इज यूज इन द रियर व्यू मिरर्स ऑफ बाइक्स और कार्स फॉर देयर वाइडर रेंज ऑफ विजन, क्योंकि वो वाइडर एरिया कवर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतने रखते हैं, मिलता है अगले लेक्चर में। थैंक यू।